खाना बनाते समय झोपड़ी में लगी आग, रुपयों सहित सामान जलकर हुआ राख। थाना क्षेत्र के गांव बनारपुर में खाना बनाकर चूल्हा की राख से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान सहित नकदी जलकर राख हो गई। आग की लपटें देख मौके पर पहुंचे गांव वालों की मदद से आग बुझाई गई। थाना क्षेत्र के गांव बनारपुर निवासी भीकम सिंह पुत्र केसराम मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गुरुवार की सुबह काम पर जाने के लिए पत्नी ने चूल्हा पर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वह चूल्हा की राख को झोपड़ी के पास में फेंक दिया, लेकिन राख ने आग पकड़ ली और झोपड़ी में अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चीख पुकार व आग की लपटें देख गांव वालों भी आ गए और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक झोपड़ी में रखे 12,000 रुपये व गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। गांव वालों ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। जिला संवाददाता विमल कुमार पांडे।